व्हाट्स अप गाइस, होंडा सिटी एंड होंडा सिविक ऐसी दो कारें हैं जिन्होंने होंडा को बैंकरप्टसी से बचाया था एंड उसके बाद से ही पीपल विल लव सेडान कार्स। सो यहां पे सिटी की बहुत सारी जनरेशन आई एंड नाउ होंडा ने लॉन्च कर दी है सिटी की 2020 वर्जन यानी कि फिफ्थ जनरेशन। देखने वाली बात यह है कि जो राइवल्स हैं जैसे कि स्कॉडा रैपिड, मारुति सुजुकी सियाज, वोक्सवैगन वेंटो और खासकर हुंडई वर्ना 2020, क्योंकि हुंडई यहां पे हर एक सेगमेंट में एक राजा बनना चाहता है, तो डेफिनेटली यहां पे जो होंडा सिटी 2020 फिफ्थ जनरेशन का मेन कॉम्पिटिटर है वो है हुंडई वर्ना 2020। तो देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को कि आखिर कौन सी अच्छी कार है, बट फिलहाल तो अपन जानते हैं होंडा सिटी 2020 फिफ्थ जनरेशन के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और क्या होंडा सिटी 2020 आज के टाइम में बेस्ट सेडान है अंडर 20 लाख परचेस करने के लिए, इस वीडियो को जानेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मोटिवेशनल से रिलेटेड कोई वीडियोस देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं मोटिवेटर पार्ट सोनी, या फिर आपको और जानना है होंडा सिटी 2020 के बारे में तो आप मेरी वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं mylakicar.in, या फिर अगर आपको कुछ पूछना है मेरे से तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करें parth.sony75। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। होंडा ने अभी तक अपनी सिटी की टोटल 800,000 यूनिट्स बेच चुकी है, यानी कि होंडा अभी तक 800,000 यूनिट बेच चुकी है अपनी सिटी कार के। इसी वजह से यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन आया था वो कुछ इतना खास नहीं था, बट सेकेंड जनरेशन से ही होंडा की कार्स लोग पसंद करना चालू कर दिया था सिटी को देखते हुए। थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड नाउ फिफ्थ जनरेशन, कार का लुक और ज़्यादा जनरेशन वाइज बेटर होता चला जा रहा है। अगर बात करें इसके फिफ्थ जनरेशन डिज़ाइन के, तो एक बात तो क्लियर है कि कार का डिज़ाइन यहाँ पे और ज़्यादा कर्व कर दिया है, यानी कि थोड़ा बहुत गोल मॉडल कर दिया है। वेल, जो फोर्थ जनरेशन थी उसका लुक थोड़ा ज़्यादा शार्प था, बट जो फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी आई है उसमें हमें थोड़ी बहुत सिविक 2019 की झलक देखने को मिल ही जाती है। बट फीचर्स वाइज सिविक से भी ज़्यादा इसमें हमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। आगे अपन जानते हैं फीचर्स के बारे में, तो फिलहाल अपन इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रंट में यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत हेडलाइट्स की झलक दिखी जाएगी एज कम्पेयर टू द सिविक। यहाँ पे आपको 9 LED बल्ब्स देखने को मिल जाएंगे हेडलैम्प्स के अंदर। वहीं यहाँ पे DRL की पोजीशनिंग की हुई है जस्ट हेडलैम्प्स के ऊपर। बीचों बीच आपको क्रोम फिनिश वर्क देखने को मिल जाएगा जो कि होंडा का सिग्नेचर क्रोम फिनिश वर्क है विद द होंडा लोगो एट द फ्रंट। और सबसे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एज यूजुअल फॉग लैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। साइड लुक में इतने ज्यादा चेंजेस नहीं है, पर कार का लुक और ज्यादा कर्व्ड हो गया है। वहीं यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल ORVMs देखने को मिल जाएंगे। वहीं नीचे नीचे आपको 17-inch के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे पीछे की तरफ लुक डायनेमिक और अल्टीमेट कर दिया है। जो प्रीवियस हेडलाइट्स थी वो जो इतनी ज़्यादा कुछ खास लगती नहीं थी, बट जो इस बार की यहाँ पे टेललाइट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो पीछे की टेललाइट्स हैं उनका लुक्स और ज़्यादा शार्प कर दिया है और ज़्यादा ये टेल लैम्प्स डायनेमिक लगती हैं। वहीं पर आपको यहाँ पे एक पतली सी लाइन देखने को मिल जाएगी रेड कलर की विथ, जहाँ पे आपको एक लंबी सी टेल लैम्प्स देखने को मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर अपन गाड़ी के ओवरऑल लुक की बात करें तो वो अल्टीमेट है और डायनेमिक है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के डायमेंशन की। वेल, गाड़ी की लेंथ है ऑलमोस्ट 4500 mm, विड्थ है ऑलमोस्ट 1700 mm और यहाँ पे हाइट है ऑलमोस्ट 1400 mm। सो डेफिनेटली कार स्पेशियस है और पीछे की तरफ भी आपको अल्टीमेट लेगरूम और हेडरूम दोनों देखने को मिल जाएगा। और तो और अभी इंटीरियर में और चलेंगे, बट फिलहाल ओवरऑल लुक की बात करें होंडा सिटी की, तो टिल डेट जो फिफ्थ जनरेशन आया है मेरे हिसाब से जो हुंडई वर्ना 2020 है उससे ज्यादा बेटर है, क्योंकि हुंडई 2020 एक हुंडई वरना जो 2020 आया है वो एक्चुअली फेसलिफ्ट वर्जन है। वही होंडा सिटी का तो आपको न्यू जनरेशन देखने को मिल रहा है। तो आज की डेट में आपको अगर आपको दोनों को कंपैरिजन करना है तो डेफिनेटली फीचर वाइज और लुक वाइज होंडा सिटी फिफ्थ जनरेशन 2020 थोड़ी आगे निकल जाती है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। वेल, कार का इंटीरियर में वैसे आपको चेंजेस तो नहीं देखने को मिलेंगे, बट इसका इंटीरियर बेसिकली ब्लैक प्लस बेज कलर पर बेस्ड है, जहाँ पे आपको
डैशबोर्ड में वुडन फिनिश वोक भी देखने को मिल जाएगा, आपको अपर साइड ब्लैक कलर का देखने को मिल जाएगा और लोअर साइड बेज कलर का देखने को मिलेगा। वहीं सीट्स, डोर और जगह जगह आपको बेज फिनिश देखने को मिल ही जाता है, और तो और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्रोम फिनिश वर्क भी देखने को मिलेगा। होंडा की एक खास बात यह है कि इंटीरियर में आपको ओवर क्रोम फिनिश वर्क देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कई कई कंपनीज क्या है कि सिडान में क्रोम फिनिश वर्क का जो चलन चालू हुआ था वो सिडान से ही चालू हुआ था। तो यहाँ पे इंटीरियर में आपको जगह जगह स्टेयरिंग पे भी, डोर क्रोम हैंडल्स पे भी जगह जगह क्रोम देखने को मिलता है, तो वो कुछ खास लगता नहीं है। बट होंडा के इंटीरियर में आपको डिसेंट अमाउंट में क्रोम फिनिश वर्क देखने को मिलेगा, जैसे कि डोर हैंडल्स में। और बट जो मेन पार्ट है होंडा सिटी और होंडा सिटी 2020 का, वो है इसका टच स्क्रीन एनफोर्समेंट सिस्टम। यहाँ पे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन एनफोर्समेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें फीचर्स जैसे कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो मिलता ही है, जो पहले भी देखने को मिलता था। यहाँ पे आपको साइड में बटन्स भी देखने को मिल जाएंगे मैनुअली ऑपरेट करने के लिए। बट यहाँ पे जो मेन फीचर्स हैं वो है होंडा की कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी जो हमें किया सेल्टोस, हुंडई, वेन्यू में देखने को मिलती है। कनेक्टेड टेक्नोलॉजी यानी आप बहुत सारे फीचर्स विद द हेल्प ऑफ योर वॉइस कंट्रोल कर सकते हो। अभी ये होंडा ने क्लियर नहीं करा है कि जो सेफ्टी फीचर्स रहते थे, जैसे कि आपको पता होगा SOS इमरजेंसी वगैरह, और बहुत सारे फीचर्स हुंडई वेन्यू में देखने को मिले थे हमें पहली बार, कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको IRVM में SOS का बटन देखने को मिलता है या फिर हेल्प असिस्ट का बटन देखने को मिलता है, वो फीचर अभी होंडा ने क्लेरिफाई नहीं करा है। बट जो होंडा की कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है वो आपको जरूर से जरूर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और तो और यहाँ पे जो हमारे अमेजोन बाबा हैं, उन्होंने भी यहाँ पे होंडा सिटी में बहुत योगदान दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको एलेक्सा रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट और शानदार बात है। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल लुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और कंफर्ट वाइज जो होंडा सिटी का जो फिफ्थ जनरेशन है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दी हुंडई वर्ना। कंफर्ट ज़्यादा है, आपको सीट्स भी ज़्यादा चौड़ी मिलेंगी हुंडई वर्ना के कंपेरिजन में। बैक सीट्स की बात करें तो बैक सीट्स भी होंडा सिटी की ज़्यादा कम्फर्टेबल है एज कम्पेयर टू दी हुंडई वर्ना। और यहाँ पे आपको मज़े की बात यह है कि लेग रूम और हेड रूम आपको ज़्यादा स्पेशियस भी देखने को मिलेगा हुंडई वर्ना 2020 के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स की, होंडा सिटी में कौन कौन से देखने को मिलते हैं। वेल, यहाँ पे आपको ABS मिल जाएगा, EBD मिल जाएगा, हिल असिस्ट मिल जाएगा, देन इंटीरियर में आपको 6 एयरबैग्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो प्रॉपरली होंडा सिटी नाउ इट्स ए फीचर लोडेड कार एज वेल एज वन ऑफ द सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया, या फिर वन ऑफ द सेफेस्ट सेडान ऑफ इंडिया। प्रॉबेबली हमें ये तो पता ही है कि होंडा की कार्स बहुत ही ज़्यादा भारी भी रहती है और बहुत ही ज़्यादा सेफ भी रहती है, अगर उसको अपन हुंडई वर्ना 2020 से कंपेयर भी करें तो। तो सेफ्टी के मामले में भी ये हुंडई वर्ना से ज़्यादा आगे निकल जाती है, तो यही है इस होंडा सिटी 2020 के सेफ्टी फीचर्स। अब बात कर लेते हैं कि क्या सेफ होने के बाद और लुक्स में अच्छे होने के बाद भी क्या इसमें हमें एक पावरफुल इंजन देखने को मिलेगा या फिर नहीं। को दो इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, 1.5 लीटर iVTEC इंजन जो कि पेट्रोल है, वो पावर प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 121 PS की विद 145 Nm ऑफ टॉर्क, वाइल जो डीजल इंजन है वो भी आपको 1.5 लीटर iDTEC टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलेगा, वो पावर प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 100 PS की विद 200 Nm ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पे क्लेरिफाई करने वाली बात ये है कि पावर और BHP आपको ज़्यादा पेट्रोल इंजन में देखने को मिलेगा, वाइल जो टॉर्क है वो आपको डीजल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अच्छी बात तो यही है कि दोनों इंजन अच्छे हैं, बट यहाँ पे पावर मैंने आपको बताई दी है, अब आखिर एवरेज क्या देंगे आपको। वेल, इसमें ट्रांसमिशन वैसे तो दो हैं, CVT और मैनुअल ट्रांसमिशन। पेट्रोल वर्जन की बात करें तो यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन आपको ऑलमोस्ट 18.4 KMPL का एवरेज दे देगा, और जो CVT वर्जन है वो आपको ऑलमोस्ट 17.8 KMPL का एवरेज दे देगा, और जो डीजल इंजन है यानी कि 1.5 लीटर iDTEC वो आपको एवरेज दे देगा ऑलमोस्ट 25.4 का। तो एवरेज भी शानदार है सेडान हिसाब से, क्योंकि भाई जो अगर आप MG हेक्टेयर भी लेते हो तो उसका एवरेज तो कुछ भी है ही नहीं, 10 का, 11 का, 12 का। और अगर इसको हुंडई वर्ना 2020 के से भी कंपेयर करें तो भी यहाँ पे जो है एवरेज आपको डिसेंट देखने को मिलेगा। वैसे तो एवरेज के मामले में दोनों टाइप हो जाती हैं, बट फिलहाल अगर अपन बात कर रहे हैं होंडा सिटी की तो ये पावर के मामले में शानदार है और एवरेज के मामले में भी बहुत ज़्यादा शानदार है। वेल, यहाँ पे थोड़ी बहुत होंडा सिटी से CVT से शिकायत है कि इसका CVT इतना शानदार होता नहीं है, तो इनको थोड़ा बहुत CVT पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए फॉर माय सजेशन बेसिकली। एंड यहाँ पे मैंने आपको प्राइसिंग तो नहीं बताई, इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 11 लाख से चालू होगी एक्स शोरूम में।
तो डेफिनेटली सेडान के हिसाब से इट्स अ डिसेंट प्राइसिंग। अगर इसको मारुति सुजुकी सियाज से भी कंपेयर करें तो सियाज का तो यहाँ पे फेसलिफ्ट वर्जन ही चल रहा है कब से। अगर इसको कंपेयर करें स्कोडा रैपिड से तो भी होंडा सिटी ज़्यादा बेटर है। वोक्सवैगन वेंटो से तो कंपेयर करना कोई बनता ही नहीं, उससे ज़्यादा बेटर है टोयोटा यारिस। टोयोटा किसी किसी का मामले में मात खा जाती है, जैसे कि डिज़ाइन के मामले में और स्पेस के मामले में, बट यहाँ पे होंडा सिटी वहाँ पे भी बाजी ले जाती है। तो अल्टीमेटली सेडान में आपको एक परफेक्ट कार नहीं देखने को मिलती, तो इसी वजह से होंडा सिटी यहाँ पे परफेक्ट कार है, इसलिए लोग इसको प्रीफर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो इसका मेन कॉम्पिटिटर है होंडा वर्ना 2020, तो मेरे हिसाब से ये उससे भी ज़्यादा अच्छी कार है। तो फॉर श्योर होंडा सिटी 2020, अगर आप सेडान कार्स पसंद है तो आपको ज़रूर से ज़रूर होंडा सिटी परचेस करना चाहिए ही चाहिए। गाइस फाइनली ये आपको जो कार है वो तीन मॉडल्स में देखने को मिलेगी, VX एंड ZX तीन मॉडल्स में देखने को मिलेंगी। प्राइस स्टार्टिंग है ऑफकोर्सली 11 लाख, तो मेरे ख्याल से ये 11 लाख से स्टार्ट होगी। V मॉडल 11 लाख एक शोरूम पे पड़ेगा आपको, और 12 लाख में आपको VX पड़ेगा, और ZX जो है वो 15 लाख का पड़ेगा। आप देख लेना, चेक कर लेना, बट मुझे तो लगता है यही प्राइसिंग मॉड्यूल होगा। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग डिजाइन पावर ऑफ ऑल न्यू होंडा सिटी 2020 एंड कंपैरिजन विद हुंडई वर्ना 2020। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, और जो नए यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन होगा उसको प्लीज जरूर से जरूर प्रेस कर देना। इस बार अपन एम लगते हैं लाइक्स का 100 लाइक्स का, तो अगर आप 100 लाइक्स करवा देते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। आपको वीडियो में बताऊंगा आगे क्या क्या ऑफर्स हैं। बट गाइस फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।